अच्छा हैप्पी सीन था। फिर वो दो सीन करने के बाद करण सर और करण मल्होत्रा सर ने ये सीन्स देखे, फिर उसके बाद मुझे सिलेक्ट किया, फिर मैं लुक टेस्ट के लिए गई महबूब स्टूडियो, तो फिर उसके बाद मैं पिक्चर में सिलेक्ट हो गई। तो कैसा महसूस करी जब आपके पास खबर आई कि आप सिलेक्ट हो गई? मैं तो मुचक रही थी बहुत खुश थी कि मतलब जाहिर सी बात इतने है। बड़े प्रोडक्शन हाउस में मुझे फिल्म मतलब अपना कैरेक्टर हाँ अपनी इमोशंस दिखाने का मौका मिला, अपने आप को साबित करने का मौका मिला, भोपाल का नाम रोशन करने का मौका मिला, तो मैं बहुत ही खुश थी। और अगर शायद मेरी प्रिंसिपल मैम नहीं होती स्कूल की तो मैं वहाँ नहीं जा पाती, क्योंकि सबसे पहला उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपको 10th बोर्ड छोड़ना पड़ेगा। अच्छा तो जब मैंने मैम से बात की तो मैम ने कहा ठीक है आप जा सकते हो, मेरी प्रिंसिपल मैम का नाम है शेफाली गौतम, उनने कहा कि हाँ आप जा सकते हो, मैं आपको ग्रेड्स दे दूंगी, अगर वो ना बोलती तो शायद आप शायद दुविधा मैं में ना जा नहीं पाती। जा पाती, तो उनको भी क्रेडिट जाएगा, सबसे बिल्कुल पहले पहले जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए कनिका, जैसे कि क्या आपको स्क्रिप्ट नरेट किया गया था, सीन्स बताए गए थे, या आपने किस तरह की तैयारी करी? आपको फिल्म मिल गया, आपने साइन कर ली, फिर उसके बाद आपने कुछ तैयारी की थी? सबसे पहले जब मैं करण हाँ सर से मिली कि करण मल्होत्रा मेरे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जब से। उनसे हाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया हाँ तब उनने मुझे कुछ सीन समझाए भी, उसके बाद उनने मुझे स्क्रिप्ट भी दी, तो मैंने जब वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तब लाइक ऐसी जब अपन बातचीत करते तो भोपाल वालों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो जब मैं गई तो मैंने जब पढ़ा तो एक बुक स्टोरी टाइप पढ़ लिया, क्योंकि अब मैं स्कूल में हूँ तो बुक हाँ स्टोरी तो पढ़ती हूँ, तो वैसा पढ़ा तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई स्क्रिप्ट में, मतलब मुझे अभी भी सीन्स याद है। मतलब ये कंफ्यूजन था दिमाग में कि पता नहीं सीन्स कैसे करेंगे, टीवी तो बहुत देखी है बट सीन्स कैसे करेंगे, जब आप उसी स्टेज पे खड़े होते हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया कि सीन्स कैसे करेंगे, और जो उनकी वाइफ थी एकता मैम वो बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी थी, उन्होंने बहुत केयर की मेरी, उन्होंने पूरा समझाया, कभी भी जैसे कंफ्यूजन होता था तो सीन के बीच में से सर से पूछ लेती थी सर क्या एक्सप्रेशन देने हैं, आप इसमें क्या चाहते हो मुझसे, तो सर ने बहुत हेल्प की। चलिए, आपने बताया आपका पहला शॉट ऋषि जी के जी साथ था, फिर जब ऋतिक रोशन के साथ जब आपका पहला शॉट था, उसको वो लम्हा बताइए हमें थोड़ा। जी जब ऋतिक सर अपना पहला शॉट दे रहे थे, जब वो किडनैपिंग में दौड़ के आते हैं मुझे बचाने के लिए, तब मुझे एकता मैम ने उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, तब मुझे उनने एक चीज बताई थी कि अगर शूट करना है तो धूल से भी प्यार करो, हवा से भी प्यार करो, पेड़ों से भी प्यार करो एंड ऑल दैट। तो फिर उसके बाद जब हमारा फर्स्ट सीन था तो मतलब उन्होंने बहुत ही मजाक किया, मैं थोड़ी सी नर्वस थी और उनको भी पता था कि मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, क्योंकि मैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रही हूँ जिसको मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, तो सबका ख्वाब होता है कि ऋतिक रोशन के साथ काम करना, तो मैं कर रही थी और उनको भी लग रहा था कि मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ, बट उनने उसको मजाक वे में ले लिया, आपको एकदम एट ईज कर दिया, कंफर्टेबल हाँ कर अपने दिया। साथ कंफर्टेबल कर दिया, फिर मैं उनके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई थी, मतलब उनको अपना बड़ा भाई जैसा मानने लगी थी और वो भी मुझे अपनी छोटी बहन जैसा ही ट्रीट कर रहे थे, फिर वो बहुत मस्ती कर रहे थे, तो इसलिए कोई उनके साथ प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम हुई। नहीं हुई। और प्रियंका के साथ भी आपके कुछ सीन्स होंगे? जी बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ही मस्त मतलब बहुत ही मस्ती खो रहे हैं, बहुत नॉटी हैं और मतलब हर जोक्स तो मारती रहती हैं, और ऑफ स्क्रीन भी वो बहुत ही अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत मतलब अपने साथ भी उन्हें कंफर्टेबल कर लिया, उसके बाद लाइक वी आर लाइक फ्रेंड्स, जैसे हम उनसे कुछ कुछ बात करते थे, मैं अपने कैरियर के बारे में डिस्कस करती तो थी, वो वो गाइड कुछ करती थी। जी वो कुछ कुछ बताती थी कि मिस इंडिया के पहले वो क्या मतलब उनकी उनने पिक्चर्स दिखाई और बहुत कुछ उनने करा, तो मेकअप टिप्स वगैरह इस तरह के कोई टिप्स देती थी प्रियंका आपको? नहीं नहीं, आपने मांगे भी नहीं। नहीं अच्छा, आपने मांगे ही नहीं, ऐसा नहीं क्यों? मेकअप ऑलरेडी मेरी मम्मी ब्यूटिशियन है, अच्छा ब्यूटी पार्लर है उनका, हाँ वैसे भी मुझे मेकअप से इतना मतलब इतना पसंद नहीं है, हाँ बट फिर भी वैसे मतलब मांगने का सोचा ही नहीं, क्योंकि जो वो तो मेकअप करती थी ऑब्वियस, बट मेरी जो मम्मी थी उनको भी बहुत अच्छा मेकअप करना आता आता है, है, तो आपको जरूरत नहीं सो या महसूस मुझे हुई। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे जाके खुद मेकअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। लेकिन आपका जो लुक है शायद वो नो मेकअप लुक है ना इस फिल्म जी में? करण सर से पूछा गया कि मेरा लुक टेस्ट कैसा मतलब लुक कैसा रहेगा, मेकअप होगा या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं आपका कोई मेकअप नहीं होगा, क्योंकि मुझे आपका फेस नेचुरल चाहिए, उन्होंने कहा था कि नेचुरल आपको मेकअप करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और वैसे भी ये जो शिक्षा है बहुत छोटे घर से बताई गई है, जिसको ना मेकअप करना आता है ना मेकअप करती है, सिंपल सूट पहनती है और स्कूल ड्रेस ये भी 10th 11th में थी 15 साल की, तो इसलिए कोई मेकअप बताया नहीं गया। कनिका, यहां पे लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक।
के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं कनिका तिवारी के साथ। जरीना बहाव के साथ आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? वो भी बहुत ही फाइन है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। जरीना बहाव जी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मैंने जब उनको मैंने सिर्फ ऐसे सामने बैठ के बात की थी, लेकिन जब मैंने उनको सीन्स में देखा तो आई वॉज लाइक वाओ कितने अच्छी एक्टिंग करती है वो। बट उनने भी मुझे बहुत अच्छी मतलब बहुत सारी टिप्स दी, मेरी कैरियर से जुड़ी हुई मुझे बातें बताई कि आपको क्या करना चाहिए। और एक दो सीन्स ऐसे हैं जब मुझे करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि इस सीन को ऐसे करो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसमें और चुलबुल पना लाओ तो और अच्छा लगेगा। और जब वो मैंने किया तो करण सर को भी बहुत पसंद आया। आपके टोटल कितने सीन्स होंगे? ये फिल्म एक्चुअली 2 घंटे 20 मिनट्स की है और इसमें से मेरे सीन्स 1 घंटे के हैं। सो ऐसे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट 1 घंटा बहुत है। फर्स्ट फिल्म में सिस्टर का रोल है और 1 घंटे का जनरली सिस्टर क्या है, एक रहती है, प्रॉप की तरह रहती है, बस एक आध दो सीन में आई, भैया भैया बोली, साइड में हो गई। बट अगर आप 2 घंटे 20 मिनट में आपका अगर 1 घंटे का है तो बहुत अच्छा है। और शायद एक गाना भी आप पे पिक्चराइज किया गया जी, एक अभी मुझ में कहीं जो कि इमोशनल सॉन्ग है। जब मुझे पता चलता है कि मेरा बड़ा भाई ऋतिक रोशन है, तो मैं स्कूल से जब छुट्टी होती तो मैं उनसे मिलने जाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ उनसे मिलने नहीं देती। तब हम दोनों के इमोशंस लेके ये सीन बनाया। अच्छा, आपके और ऋतिक के बीच में ही ये सॉन्ग है पूरा जी। और साथ में प्रियंका मैम भी है, वो भी हमारे साथ घूमने जाती हैं और वो ही मतलब मुझे मिलवाती हैं। लाइक जब मैं उनके चौल में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं प्रियंका मैम मुझे मिलती हैं, उसके बाद ऋतिक सर से मिलना होता है। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूं मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहा था मेरा। आप 11th क्लास में अभी हैं, 10th में आपने ये पूरी फिल्म की शूटिंग की है, आगे का क्या प्लानिंग कर रही हैं? पढ़ाई करेंगी, फिल्मी दुनिया में जाएंगी, क्या क्या सोचती हैं? मैं दोनों साथ साथ करना चाहती हूँ। मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद अगर इस फिल्म इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं भी काम करना चाहूंगी। इस वक्त आपको लग रहा है ऑफर्स आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ मन में है, कुछ सोचती हैं? इस फिल्म की रिलीज होने के बाद बहुत अच्छे ऑफर्स आएंगे और मे भी शायद आए, तो अगर वो भी आए तो मैं बहुत अच्छे से उनको भी करूंगी। और पढ़ाई जारी रखूंगी। हाँ, पढ़ाई जारी। जैसे एक चीज है, आपने एक बहन सिस्टर का रोल किया, तो आपको कहीं मन में ये डर या ये रहता है कि भाई अब तो बस सिस्टर ही किरदार मिलेगा, शायद लीड रोल ना मिले या कुछ और तरह का किरदार ना? हाँ, जब पहली बार मैंने जब अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि मैं बाद भी सिस्टर का रोल ही मिले। बट एक सुमित चावला सर है जो इस प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उन्हें और मुझे बहुत लोगों ने भी बताया कि अगर आप एक सिस्टर का रोल करते हो, अगर के बाद आप अगर मेन लीड में आना चाहते हो तो फिर आपको थोड़ा सा गैप लेना पड़ता है, टाइम ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ती है अपनी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मतलब